हेलो बच्चों, कैसे हो? तो इससे पिछले वाला लेक्चर देखे होगे, नहीं देखे हो तो देख लो भाई। इससे पहले चार लेक्चर डिफरेंशिएशन का जा चुका हूँ, पचवा जा रहा। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिक उसके थ्योरम बताए हैं, थ्योरम 1, 2, 3, 4, 5, 6 थ्योरम बताए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम लोग बताने वाले हैं और हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 7। इसका हम नाम थ्योरम 7 देते हैं। इसको स्पेस मीन्स इस थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। आप कहोगे सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? तो हम बोलेंगे कि इफ एनी फंक्शन cannot represent in the form y equal to f of x is called implicit function। अगर करा कि कोई फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, एनी फंक्शन कांट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म, अगर उसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल में अगर लेते हैं, x प्लस y प्लस साइन ए y इक्वल टू 1। अब यहां पे देखो तो अगर हम y का वैल्यू x के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, यहां पे y इक्वल टू x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, y इक्वल टू समथिंग की मुझे क्या x के फॉर्म में रिप्रेजेंट। या थोड़ा सा एक एग्जांपल और देख लो, अगर यहां पे दिया हुआ x प्लस x इंटू वाई प्लस वाई क्यू इक्वल टू 1, अगर ये फंक्शन दिया हुआ तो इसको भी हम क्या किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेगी। यहां से y कॉमन लेंगे, अगर ये करते हैं तो यहां से ये क्या आ जाएगा y x प्लस x इंटू वाई प्लस वाई क्यू इक्वल टू 1। अगर करेंगे x वाले को ये यहां से लेके, अगर x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिए तो यहां बच गया 1 प्लस y प्लस वाई क्यू इक्वल टू 1। अब यहां से अगर y का अगर यहां लेते हैं तो ना y का वैल्यू निकालना है तो चेंज, अगर इसमें ये दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो यहां से ये क्या हो जाएगा x प्लस y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर नहीं निकल जाएगा तो x के फॉर्म में निकल के y के फॉर्म में रिजल्ट, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x के फॉर्म में रिजल्ट नहीं आता। अगर इस टाइप का फंक्शन रहा तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। और इसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं या डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता या डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का कैसे होता, तो वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसका एक ट्रिक भी बताएंगे तो बाद में करते हैं। चलिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। क्वेश्चन, अब यहां पे इम्प्लिसिट फंक्शन है तो फाइंड करना मुझे डी बाय डी एक्स। किस तरह से फाइंड करेंगे? हम दो तरीके से फाइंड करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड। वो बाद में डिस्कस करते हैं आपसे। अब यहां पे देखिए तो यहां पे क्या करेंगे कि गिवन दिया हुआ उस पर फोकस करते हैं। गिवन दिया हुआ क्या मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यू इक्वल टू 4, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं,
विथ रिस्पेक्ट टू या डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस टू, बाहर कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां क्या होगा डी फोर अपॉन डी एक्स। अब यहां देखिए चैन रूल लगाएंगे, चैन रूल लगाएंगे तो अब यहां पे नॉर्मल एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे ये ब्रैकेट डाल देते हैं एक्स को बाहर किए डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे वाई को बाहर करेंगे यू इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा और एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। वाई क्यू का यहां पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डी वाई क्यू किसके रिस्पेक्ट में डी वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये यहां से रिजल्ट मुझे दे दिया टू एक्स टू इंटू एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई क्यू अपॉन डी वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखो सिंप्लीफाई करते हुए अगर चलेंगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स, यहां क्या होगा टू एक्स डी वाई डी एक्स, और यहां क्या हो जाएगा टू वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता तो लिखने की जरूरत नहीं, यहां क्या हो जाएगा थ्री वाई क्यू, और यहां क्या होगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्यू नहीं थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ यहां क्या लिख दे, अगर यहां से डी वाई डी एक्स लेते हैं डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिए डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या कॉमन लेंगे तो यहां पे 2x और यहां 3y स्क्वायर, इसको उस साइड लिए चले गए तो माइनस टू एक्स और माइनस टू वाई, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल डिफ्रेंसिएशन डी वाई डी एक्स निकल गया, सिंपल क्या किया डिफ्रेंसिएशन किया, यहां पे यू इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा था लगा दिए टू को बाहर निकाल के, यहां पे चैन रूल लग रहा था लगा दिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू होता। अब डी वाई डी एक्स सिंप्लीफाई करने के बाद डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिए तो ये आया, और जो डी वाई डी एक्स का बेगर डी वाई डी एक्स है उसको उस साइड लेके चले गए साइड चेंज कर दिए, नॉर्मल कंसेप्ट डी वाई डी एक्स मुझे निकल के आ गया। अब देखो डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे। अब यहां पे एक फॉर्मूला डी वाई डी एक्स डायरेक्ट डी वाई डी एक्स इक्वल टू होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, क्या करना और ये यहां माइनस भी लगा देना, माइनस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, ऊपर उस इस वाले फंक्शन को क्या करना पूरे को वन साइड लाके मीन्स इसको क्या करना सिंपल कि एक साइड लाके डी वाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट करना और इस साइड लाए या उस साइड लाए, ठीक है, किसी एक साइड लाके उसको डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट। अब यहां पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड कीपिंग एक्स एज ए
अब यहाँ पे दूसरी बार क्या करना, डिवाइड में लिखना है कि इसे डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। और उसको एक्स को कांस्टेंट मानना। तो यहां पर पहला स्टेप में थोड़ा सा, पहले स्टेप में क्या करना है, सभी को एक साइड करना। इतना तो समझ जाओगे, एक साइड करोगे तो देखो, एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यू माइनस फोर इक्वल टू जीरो। डी वाई डी एक्स डायरेक्ट निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या करना, पहले एक्स स्क्वायर के मीन्स किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना, एक्स के। वाई वाले को क्या करना, कांस्टेंट मानना, जो कांस्टेंट है उसको तो कांस्टेंट मान। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स, अब वाई कांस्टेंट है तो यहां पे कांस्टेंट कौन हो गया, टू और वाई, टू वाई कांस्टेंट हो गया। तो टू वाई कांस्टेंट हुआ तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, मीन्स डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन करें, वाई क्यू क्या कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा जीरो माइनस जीरो अपॉन कांस्टेंट का। अब यहाँ पे क्या करना, माइनस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करना, डिफ्रेंसिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, इसी का वाई के रिस्पेक्ट में, इसी इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करना, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर को क्या करना, एक्स को आप क्या करना कांस्टेंट रखना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन करना तो डी किसके रिस्पेक्ट में, वाई के, तो वाई टू एक्स कांस्टेंट है डी वाई अपॉन डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डी वाई क्यू अपॉन डी वाई, और ये क्या हो जाएगा फिर जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करना। तो अब यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स ये क्या हो जाएगा प्लस टू वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये टू एक्स, अब वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल निकल के आ गया ये डिफ्रेंसिएशन दोनों का, देखो देखो माइनस कॉमन, यहां पर माइनस कॉमन नहीं है, यहां पर माइनस कॉमन ले लिया, सिंपल निकल के आ गया। तो क्या करना है, सबसे पहले कि वन साइड कर देना, इक्वेशन दिया रहेगा इम्प्लीसिट फंक्शन का इक्वेशन दिया, तो इक्वेशन को वन साइड कर देना, वन साइड करने के बाद उसको क्या करना डीवाई डीएक्स लिखना, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड डीवाई डीएक्स इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंसिएट करना किसका, इसका डिफ्रेंसिएट करना सभी का, डिफ्रेंसिएट करके डिफ्रेंसिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, और दूसरा वेरिएबल रहा तो उसको जीरो मानेंगे, ठीक है। तो यहां पे x और y है तो यहां x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट किए, अगर dy dx निकालने हैं जिस जो वेरिएबल है उसका पहले निकालना, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएट करने हैं उस वेरिएबल का पहले निकालना, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, यहां पे 2 और y तो कैसे एज ए कांस्टेंट लेना, तो टू वाई कांस्टेंट हो गया, सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, और वाई क्यू कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, फोर भी जीरो। अब यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, अपॉन वाले में एक्स कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का चुपचाप जीरो लिख दो, और ये टू एक्स बाहर गया डी वाई डी एक्स, और वाई क्यू का करोगे तो ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे वाई क्यू का क्या डिफरेंशिएशन है, टू एक्स डी वाई डी वाई का वन अब प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल हो गया, ये दीजिए। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ये इतना करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट लिख दोगे बहुत आसान हो जाएगा। तो इम्प्लीसिट फंक्शन डायरेक्ट मेथड से बहुत आसान होता, थोड़ा इस लेंदी इससे लेंदी होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ, चलिए तो ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखते हैं इसपे। तो यहां पे क्या करना है, डायरेक्ट मेथड दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं, बोले थे कि अगर डायरेक्ट मेथड से तो साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, वन साइड करो, वन साइड करो तो साइन वाई माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इक्वल टू जीरो। चलिए ये क्या, तो साइन वाई इस साइड कर दिए तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
साइन वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन था, साइन वाई क्या हो जाए जीरो, माइनस ये क्या हो जाए साइन ए प्लस वाई क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये जैसे ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो वो बाहर साइन ए प्लस वाई, और यहां क्या होगा एक्स का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना था, एक्स का हो गया, अपॉन में ये क्या होगा, अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप बताओ ये एक्स के एक्स तो यहां पे कांस्टेंट है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है तो कॉस वाई एक्स को क्या करेंगे बाहर डी साइन ए प्लस वाई अपॉन डी वाई, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वाई डीएक्स का क्या होगा वन, ठीक है, डीएक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन, यहां क्या हो जाएगा कॉस वाई और माइनस एक्स डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस किसके रिस्पेक्ट में ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। और फिर ए प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में तो फिर ये क्या हो जाएगा ठीक है ए का जीरो वाई का वन, तो इसे हम क्या लिख दें साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये हो गया डीवाई डीएक्स निकल के आ गया, मगर मुझे प्रूव करना कि डीवाई डीएक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, तो मुझे क्या करना यहां पे सिर्फ इसका फॉर्म है y का, x को हटाना, x का वैल्यू कहां से ला सकते हैं x यहां से ला सकते हैं, पहला इक्वेशन x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, ठीक है। अब लिखो क्या हो जाएगा साइन a प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये साइन पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। अब वहां से उठा के लिख दो, यहां लिख दो तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, फॉर्मूला यूज करेंगे क्या साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। यहां पे इसको a लिए इसको b लिए और इसको b और इसको a, तो फॉर्मूला बन गया किसका, किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा साइन a माइनस b, ए की जगह पे ए प्लस वाई, ए प्लस वाई माइनस वाई से वाई, बी की जगह पे वाई, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है, समझ में आया।
तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, इफ x का पावर y इक्वल टू e का पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट द डी बाई डी एक्स इक्वल टू एल एन अपॉन वन प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो याद करो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो हम लोग क्या x दिया हुआ, x का पावर y इक्वल टू e का पावर x माइनस y, टेकिंग यहां पर ln दिया था, टेकिंग ln बोथ साइड, ln का मतलब log विथ बेस, हमेशा विथ बेस e लेते हैं, ठीक है, ln का मतलब log विथ बेस e। तो हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा रीजन, यहां पे ध्यान देना, ln x का पावर y इक्वल टू ln e का पावर x माइनस y, सभी को मालूम है ln e इक्वल टू क्या होता, 1। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो, y ln x इक्वल टू x माइनस y इंटू एल एन ई, ये क्या होगा, y एल एन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। अगर यहां से हम y का वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अगर यहां से इस साइड ले जाए तो y एल एन एक्स y कॉमन ले लें प्लस वन इक्वल टू x, यहां से ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x अपॉन एल एन एक्स प्लस, ठीक है। अब मुझे रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया तो डी वाई डी एक्स निकालना, तो यहीं से हम डी वाई प्रूव करना कि डी वाई डी एक्स क्या होगा, तो हम दोनों तरफ से निकालते, अगर वाई का इक्वल टू अगर लेते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहां से हम लेके चुपचाप यहां से यहां ये जो टर्म्स है ये लेके आ जाओ, यहां पे क्या करें वन साइड कर देंगे, वन साइड कर देंगे, वाई एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब यहां पे यूज कर लेते हैं डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स माइनस, ठीक है, कौन कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट, तो यहां पे वाई इंटू वन अपॉन एक्स, यहां क्या हो जाएगा माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन और इसका जीरो, अपॉन में क्या हो जाएगा, अगर यहां पे करते हैं तो यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना, तो ये एल एन एक्स डीवाई डी एक्स डीवाई डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में माइनस जीरो प्लस वन। अब वहां पर देखिए यहां पे रिजल्ट क्या रहा, यहां पे रिजल्ट आ जाएगा, तो यहां पे रिजल्ट अगर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा एल एन एक्स और डी वाई डी डी वाई डी वाई क्या हो जाएगा वन प्लस वन, ठीक है। अब यहां पे मुझे फॉर्मूले में प्रूव करना है कि एक्स का वैल्यू यहां पे एक्स के फॉर्म में, तो वाई का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो ये रिजल्ट लेके आते हैं, उसको उठा के लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई का वैल्यू एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस वन। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा रिजल्ट, जल्दी से बताना, यहां करेंगे सिंप्लीफाई तो ये रिजल्ट मुझे दे देगा क्या, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये क्या होगा माइनस एल एन एक्स इंटू एक्स माइनस एल एन एक्स अपॉन सॉरी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इससे ये गया
नीचे में क्या हो जाएगा एक्स एल एन अपॉन में क्या एल एन एक्स प्लस वन, तो यहां पे क्या हो जाएगा एल एन एक्स प्लस वन। तो यहां देखिए क्या हुआ, ये माइनस ये एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, अपॉन में एल एन एक्स प्लस वन बचा। तो यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा मुझे माइनस प्लस एल एन एक्स इंटू एक्स अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस वन इंटू एल एन एक्स प्लस वन। ये रिजल्ट एक्स से एक्स गया, यहां एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहां पे एक बार देख लीजिए किस तरह से इसे बना, सिंपल क्या किए कि लॉग लगा दिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको ऐसे भी अलग अलग करके भी हम बना सकते थे कि y के फॉर्म में अलग से आ जाएगा। यहां पर एल एन ई, तो हम क्या किए कि ये डी वाई डी एक्स डायरेक्ट मेथड यूज कर, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो यहां पे ये यहां से उठाए डायरेक्ट मेथड यूज किए तो यहां पे लेके आया डी वाई डी एक्स, रिजल्ट निकल के मुझे आया माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स एल एन एक्स प्लस वन। अब यहां पे प्रूव्ड में ये डेफिनेशन ये क्या निकल के आया, डेरिवेटिव निकल के आया। अब प्रूव्ड में एक्स का सिर्फ एक्स का फॉर्म तो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो यहां देखो यहां से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू यहां से हम निकालें, यहां से ये उठा के लेके आए हैं यहां से इस स्टेप में और यहां से यहां लेके गए तो y का वैल्यू मुझे निकल गया y इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस वन। अब उसके बाद पुट कर दिए और सिंप्लीफाई कर दिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, तो चलिए यहां देखते हैं। तो इससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ कि वाई इक्वल टू इन्फिनाइट टर्म सम होता हुआ रूट के अंदर साइन एक्स है, फिर रूट के अंदर प्लस, फिर रूट के अंदर साइन एक्स, फिर प्लस रूट के अंदर, रूट के अंदर ही होता हुआ चला जा रहा है इन्फिनाइट टर्म। एक टर्म कम हो जाएगा तो कोई फर्क है, इसलिए इसको भी हम अप्रोक्स किसके होगा वाई के होगा ये वाला वैल्यू। तो हम क्या लिख देंगे, हम वाई इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई, इसको क्या कर दी तो यहां से आपको रिजल्ट दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब इसको हम क्या करेंगे कि वन साइड कर देते हैं, वन साइड कर दो, वन साइड करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा मींस वाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस y इक्वल टू जीरो। तो डीवाई डी एक्स इक्वल टू डीवाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ मीन्स इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले पार्ट का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब y को क्या करना कांस्टेंट रखना, डायरेक्ट मेथड यूज करना, ये क्या हो गया जीरो, ये क्या हो गया माइनस cos x, ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस जीरो। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन टू वाई माइनस वन, ऊपर रिजल्ट क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, तो कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन ये निकल के आ गया डी वाई डी एक्स, बस हो गया काम खत्म। अब यहां पे साइन एक्स रहता या कॉट एक्स रहता तो या टेन एक्स रहता या जेड एक्स, तो इस पर एक फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं कि अगर दिया हुआ है वाई इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स इस तरह से इंफिनिटी तक जाता है तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूले पर देखो सेट हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन।
आप इस टाइप का डायरेक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन आता डायरेक्ट हम बना सकते हैं एफ डैश एक्स अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एफ जो फंक्शन दिया रहा है उसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे और अपॉन में 2y-1 कर देंगे तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी इसी तरीके से बनाने y इक्वल टू ये भी क्या इन्फाइनाइट टर्म है तो x का पावर हम लोग क्या कर रहे हैं y कर देते हैं। अब यहां पे क्या होगा टेकिंग log बोथ साइड log y इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू log x नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन कर दो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट 1 अपॉन y इंटू डी वाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा y इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x और log x बाहर की है तो ये क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स ठीक है वन साइड करेंगे रिजल्ट मुझे क्या दे देगा डी वाई डी एक्स इस तरह से और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y और यहां क्या हो जाएगा माइनस ये क्या होगा लॉग एक्स और यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई सॉरी ये क्या होगा थोड़ा सा ध्यान देना ये क्या ये तो डी वाई डी एक्स 1 अपॉन वाई ये साइड है लॉग एक्स और ये वाई अपॉन तो डी वाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा y अपॉन x अपॉन 1-y प्लट के ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा y स्क्वायर ठीक है x नीचे आ जाएगा x इंटू 1-y log x ठीक है इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन यहां दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0 देन प्रूव्ड करना कि dy dx इक्वल टू माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by y अपॉन x तो इसे किस तरह से हम प्रूव्ड करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे क्या दिया हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इसका मतलब कि सबसे पहले मुझे वन साइड इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर मुझे क्या निकालना डी वाई डी एक्स तो हम यूज करेंगे क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं किसका इम्प्लिसिट फंक्शन का तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ एक दफा y को कांस्टेंट लेके x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना क्या हो जाएगा यहां पे 2x इंटू ए ठीक है प्लस यहां पे कांस्टेंट कौन है y अब यहां पे 2h भी कांस्टेंट है y भी कांस्टेंट है x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 ठीक है यहां पे ये क्या हो जाएगा ये क्या कांस्टेंट है 0 और इसके आगे क्या लगता माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन में करेंगे तो ये क्या होगा अब एक्स स्क्वायर को मीन्स एक्स वाले वेरिएबल को कांस्टेंट मानना तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट तो 0 प्लस अब यहां पे ये क्या होगा 2hxy तो 2 यहां पे 2hxy तो एक्स को क्या करना कांस्टेंट लेना तो यहां पे क्या होगा 2hx y का सिर्फ dy dx ठीक है प्लस
प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा बी बाहर डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई। रिजल्ट क्या आया अब थोड़ा ध्यान देना, रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस टू ए एक्स प्लस टू एच वाई अपॉन क्या हो जाएगा यहां से टू एच एक्स प्लस यहां से क्या होगा टू वाई बी। अब यहां से क्या होगा टू बाहर निकालें टू बाहर ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन टू बाहर निकाल लेंगे एच एक्स प्लस ये क्या होगा वाई बी। टू से टू गया रिजल्ट क्या आया माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस डी वाई प्रूव्ड हो गया, एक पार्ट प्रूव्ड हो गया। तो ये एक पार्ट आराम से प्रूव्ड करना, आप कभी क्वेश्चन में दिया रहा है कि वाई अपॉन एक्स प्रूव्ड करना या ऑप्शन में दिया कि y अपॉन x, ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में ये दिया, तो किस तरह से निकालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या जीरो। टू एच एक्स वाई इसको दो पार्ट हम कर सकते हैं ओके हाँ सर कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई दो बार लिख देंगे तो मिलकर टू एच एक्स वाई बनेगा प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या होगा यहां से देखो तो एक्स कॉमन होगा तो ले लो, एक्स कॉमन ले लिए तो ये क्या बच गया ए एक्स प्लस एच वाई, यहां से क्या कॉमन ले लें वाई कॉमन ले लेते हैं ठीक है y कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। साइड चेंज कर देते हैं कर दो, साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x कॉमन ए एक्स प्लस एच वाई ये क्या हो जाएगा माइनस y एच एक्स प्लस बी वाई। अब यहां पे मुझे चाहिए क्या ए एक्स और एच वाई, तो ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। इस तरह से निकाल के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको इसको दो पार्ट में लिख दिए, यहां से x कॉमन ले लें यहां से y कॉमन ले लें सिंप्लीफाई कर दिए इसको, तो यहां से रिजल्ट आ गया कि इसको हम क्या बोल सकते हैं माइनस y अपॉन x। तो ये क्या हो जाएगा माइनस पहले से मल्टीप्लाई है माइनस y अपॉन x मीन्स y अपॉन x प्रूव हो गया ठीक। कोई प्रॉब्लम चलो तो देखिए यहां पे ये क्वेश्चन देखिए y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स टू इन्फिनाइट तक दे दिए। तो देखो यहां पे साइन अपॉन में कॉस फिर इसके अपॉन में साइन तो फिर इसके अपॉन में कॉस, तो देखो यहां के बाद फिर ये क्या हो रहा रिपीट हो रहा सेम टर्म रिपीट होता हुआ, अगर उसमें से एक टर्म कम भी कर देंगे तो रिजल्ट में ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर होगा, इसका भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा मीन्स यहां से इसको 1 को हटा दो ये वैल्यू सेम रिजल्ट आ रहा ऊपर वाला बनता हुआ रहा, तो इसको क्या करें y के बराबर हो गया मीन्स इतना। तो अगर हम यहां पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस y ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस y
प्लस कॉस एक्स, ये प्लट के ऊपर गया तो वन प्लस वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके वाई से तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स, और इसको इस साइड ले आते हैं माइनस वन प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब डीवाई डीएक्स निकालना, तो डीवाई डीएक्स निकालना तो क्या तरीका, माइनस ऊपर वाले को क्या करना, ऊपर वाले को मुझे कांस्टेंट मानना, तो कांस्टेंट मान लो, तो कांस्टेंट मारोगे तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, तो अब यहां पे मानेंगे तो माइनस पहले से है, माइनस वाई का क्या होगा जीरो, तो अब यहां पे डीवाई डीएक्स निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ऊपर में हम किसको कांस्टेंट मानते हैं, वाई को, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वाई को कांस्टेंट, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वाई कांस्टेंट, तो ये जीरो वाई कांस्टेंट है तो वाई बाहर, प्लस है वाई बाहर, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहां पे कांस्टेंट कौन होगा, माइनस वन प्लस वाई और डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहां पे फिर देखो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है मुझे, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का रिस्पेक्ट में, तो वाई का क्या होगा वन, वाई स्क्वायर का क्या होगा टू वाई, कॉस एक्स कांस्टेंट होगा और डीवाई डीवाई, ठीक। अब यहां पे क्या होगा साइन एक्स क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो साइन एक्स ले लो, और वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो, और डीवाई अपॉन डीवाई वाई के रिस्पेक्ट में मुझे करना, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट लिख के दे दिए वन प्लस, अब सिंप्लीफाई करोगे ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स, ठीक, माइनस वन प्लस वाई इंटू साइन एक्स का क्या होता कॉस एक्स डिफरेंशिएशन अपॉन यहां से क्या वन प्लस, ये कॉस एक्स है, वन प्लस टू वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू वन, ये गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे माइनस 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 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स प्लस वन प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा वन प्लस टू वाई प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये रिजल्ट आ गया। सिंपल क्या करना, यहां पे देखिए वाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, फिर रिपीटेड टर्म आ रहा, तो रिपीटेड टर्म आता है कहां तक इन्फिनाइट तक, एक टर्म कम कर देते हैं तो उससे इफेक्ट नहीं, ये लॉजिक लेके हम आते हैं यहां पे, जहां से रिपीटेड फिर से वही चीज आता हुआ चलता, वाई उठा के रख देते हैं यहां, कहां पे यहां पे रखें वन प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट आया। अब डी बाई डी एक्स डायरेक्ट मेथड से निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है तो चुपचाप डायरेक्ट मेथड से निकाल देना, या मैनुअली करते हुए चले जाओगे तो डायरेक्ट मेथड से गलत होने का कम चांस रहता। ऑब्जेक्टिव रहा तो डायरेक्ट मेथड से बनाना, और सब्जेक्टिव रहा तो तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से रिजल्ट आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब यहां पे अगर सॉल्व करते हैं
तो चलो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या दो साइड कर देते हैं, x इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू क्या कर दिया, इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स के, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बोथ साइड, ठीक है। तो रिजल्ट क्या दे देगा, थोड़ा देखो यहां से, ये एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर हो गया और यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, यहां वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो गया, एक साइड ले जाओ सभी को, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, जो बचा कौन, एक्स स्क्वायर वाई, और ये क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई और इसको एक्स और इसको वाई इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखो एक्स माइनस वाई यहां भी है, एक्स माइनस वाई यहां भी है, तो कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई यहां बच गया और यहां पे एक्स वाई बच गया इक्वल टू। अब यहां पे रिजल्ट आया कि x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड दूसरा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई इक्वल टू जीरो, तो यहां पे x इक्वल टू रिजल्ट क्या आ गया y, और यहां पे y इक्वल टू अगर y के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर कॉमन ले लेते हैं यहां पे y कॉमन ले लिए, तो y कॉमन लेंगे तो x इस साइड लिया है तो माइनस वाई वन प्लस एक्स, ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया y इक्वल टू रिजल्ट क्या दे दिया मुझे, मीन्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये रिजल्ट दे y का रिजल्ट आया। अब हम क्या करना, मुझे नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन, अगर यहां पे क्या करना नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले वाले का क्या है डिफरेंशिएशन करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया x, तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, या दूसरे के वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर यहां से लेके तो dy dx यहां से लेके आ जा dy dx इक्वल टू, तो कौन सा रूल लग जाएगा, कोशेंट रूल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, अब यहां पे माइनस एक्स और वन प्लस डिफरेंशिएशन, वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। अब यहां पे देखिए क्या रिजल्ट दे देगा, ये क्या दे देगा 1 प्लस एक्स, और ये क्या दे देगा माइनस है तो माइनस वन हो जाए, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस वन, तो ये माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस वन, और इसका माइनस माइनस प्लस, तो ये x हो गया, ठीक है। और यहां पे डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रिजल्ट क्या आ गया, अब ये देखो माइनस करेंगे तो ये माइनस वन और ये एक्स तो कैंसिल हो गया, तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन इस तरह से सिंप्लीफिकेशन पर दिया रहा था, तो इस तरह से भी सॉल्व करेंगे, तुम्हें देखने में लगेगा ये क्वेश्चन किसका है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का, मगर जनरली सॉल्व करेंगे तो वाई के फॉर्म में मुझे आ जाता, तो y के फॉर्म में आ गया, तो इस तरह से अलग अलग करके y का वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था ये टॉपिक हम लोग पढ़े इम्प्लिसिट फंक्शन के, इस पे और इस पे डिफरेंशिएशन निकालना बहुत ही आसान है डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड यूज करना बहुत ही आसान, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड
क्वेश्चन की इनवर्स फंक्शन था, इनवर्स फंक्शन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।